and I will go to the story about the story after you've heard the story. So let's begin. All right? एक थी एक थी एक थी गिलहरी गिलहरी गिलहरी, गिलहरी, गिलहरी सी लड़की ये कहानी है एक लड़की की एक गिलहरी की और एक खेल की यू नो वॉट गिलहरी इज विच इज वट इज इट अस्क्वीर एक थी एक थी एक थी गिलहरी गिलहरी, गिलहरी, गिलहरी सी लड़की एक लड़की जो एक खेल कबड्डी का, का खेल एक गिलहरी से सीखी गिलहरी उसकी कबड्डी कोच वैसे चाहूँ तो मैं ये कहानी शुरू कर सकती हूँ उस कबड्डी के खेल से जहाँ पे यह लड़की कबड्डी खेलती है लेकिन यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट राइट सो लेट मी गो विधटिफुल फ्लैशबैक इन टू वॉट दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट तो कहानी है एक गांव की जिसका नाम है चिरैया चिरैया बिल्कुल वैसे ही गांव है जैसे गांव होते हैं एन इमेजिन इन दैट विलेज देर आर लाइन्स ऑफ ऑल काइंड जैसे दुनिया में आदमियों से मनुष्यों से इंसानों से बनाई हुई जो लकीरें होती हैं वैसी लकीरें इस गाँव में भी है ऑल काइंड ऑफ लाइन्स वट काइंड ऑफ लाइन्स डू ह्यूमन्स मेक अमीर गरीब है ना और अच्छा बुरा वेरी गुड अमीर गरीब अच्छा बुरा लंबा बोना काला गोरा मोटा दुबला पतला औरत औरत आदमी लड़का लड़की जाति धर्म ओ हो इतने सारे और सारी सारे लाइंस सो यू कैन इमेजिन ऑल लाइंस क्रिस क्रॉसिंग ईच अदर एंड डिवाइडिंग द पीपल इनटू प्लेसेस टू स्टे प्लेसेस टू वॉक प्लेसेस टू बाय देयर थिंग्स एंड प्लेसेस टू कम एंड फाइट बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू हैव सो मेनी लाइंस डिवाइडिंग पीपल देयर आर क्लैशिज एंड व्हेदर देयर क्लैशेज दे नीड सम प्लेसेस टू फाइट

so for many years and many, many centuries, the fights would intensify. there would be bloodbaths and there would be killings and there would be all kinds of assaults on one another. till the people of chiraya said, yes, nahi chalega, we should not be doing this. we should try and be more civilized. there has to be a civilized way to fight. so they decided to play a game which would be kabaddi. Kabaddi as a game is very interesting. You know, there are small groups. You get to kick, you get to slap, you get to hold the opponent down, you get to pin them to the floor, and you get to feel like, wow, I did it. Right? So they decided that Kabaddi is the best game to play. No cricket, no football, no other game, just Kabaddi. And so people started forming groups. Now, क्योंकि इस गांव में इतने सारे दल थे तो हो सकता था एक कबड्डी लीग तो कबड्डी लीग नहीं बना एक कबड्डी मैच ही बनता हर साल एक सालाना कबड्डी का खेल और जितने भी ग्रुप्स हैं वो दो दल में ही डिवाइड हो जाते थे लाली और नीली लाली गैंग के जितने सपोर्टर्स हैं सारे लाल रंग पहन के पहुंच जाते थे और नीली गैंग के सारे सपोर्टर्स नीले रंग में एंड पीपल स्टार्टेड फाइटिंग फॉर वट एवर दे वॉन्ट फाइट अबाउट so the lali gang one year would have all the rich the affluent the fairer stronger you know and maybe the neeli gang that year would have all the poor disadvantaged the darker skinned people you get the norm right so every year people would start making these groups that this year the lali gang is represented by these sets of people neeli gang by these sets of people and then they would come and play but there was another very interesting thing about the, these gangs of people. That they were all women, girls. They are the custodians of all the honour. And if there has to be a fight, let the girls go and have a cat fight and we will enjoy it.

इस कबड्डी का खेल खेलने का मौका मिले क्योंकि खेल खेलना भी होता है बहुत बड़ा ओहदे की बात रिस्पेक्ट की बात बिकॉज यूर रिप्रेजेंटिंग योर कम्युनिटी यू आर गोइंग टू बी फाइटिंग और रेंग फॉर योर कम्युनिटी राइट सो पीपल वॉन्टेड दीज गर्ल्स टू गो बट देर नॉट टैलेंटेड किसी में वो टैलेंट था ही नहीं एंड इन एनी केस बिकॉज कबड्डी के खेल में कितने प्लेयर्स होते हैं सात तो सात प्लेयर के लिए पूरे गांव की लड़कियां लाइन लगा देती थी और वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी होती थी कि भाई लड़की बड़ी हो जाए शादी हो जाए उसकी भी बच्ची हो जाए बड़ी वो भी बड़ी हो जाए लेकिन टाइम ना आए यू ऑल्सो टैलेंट टू प्ले नाउ गुड़िया वेन शू वॉज फाइव वो पहली बार अपने बाबूजी के कंधे पर जाकर उसने कबड्डी का खेल देखा उस साल वो लाली गैंग में थी और लाली गैंग में उसने लाली घाघरा पहना लाल Uh, चुट्टी चुटिया में लाल रिबन डाले लाल गुब्बारे के साथ लाल फ्लैग के साथ वो पहुंच गई और वो लाली गैंग को चेयर करने लगी और उसने खेल देखा और बस खेल देखा घर आके उसने अपनी मम्मी को बोला मम्मा अम्मा अम्मा मैं भी कबड्डी खेलूंगी अम्मा ने कहा हाँ बेटा खेलोगी पहले बड़ी तो हो जाओ एंड फ्रॉम दैट एवरी ईयर शी वुड गो टू वॉच कबड्डी शी वुड टेल मुझे कबड्डी खेलना है मैं भी बड़ी होकर कबड्डी खेलूंगी और हर साल उसकी मम्मी उसको कुछ नया कहती हा बेटा खेलोगी पहले देख कर सीख लो हा बेटा खेलोगी अगर खेलने लायक हो हा बेटा खेलोगी अगर वो खिलवाए तो बाय द टाइम शी वॉज इलेवन नीड टू डू समथिंग फॉर दिस गर्ल बिकॉज एवरी ईयर शी आई टू प्ले कबड्डी एंड आई टू टेल हर द So, वो लड़की को अपने बैठा के बोलती है बेटा ये खेल थोड़ी है ये तो जंग है हम लड़ते हैं क्योंकि लड़ना आसान है और हम लाली नीली गैंग में इसलिए रहते हैं क्योंकि लोगों को पता चले कि आ, तुम किस दल में हो कि तुम अकेले नहीं हो तुम्हारे पीछे और लोग हैं हम खेलने के लिए नहीं खेलते हैं, हम तो लड़ने के लिए खेलते हैं खेल तो एक 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 फ्रंट है बात यह है कि तुम किससे ज्यादा नफरत करती हो किसके खिलाफ हो किसको हराना चाहती हो और तुम निडर हो कि नहीं दिस गर्ल डिट अंडरस्टैंड एनी थिंग खेलने के लिए नफरत जरूरी है हां बेटा वही तो सबसे बड़ी चीज है इस खेल में जितना ज्यादा नफरत उतना अच्छा खेल बेटा यही है कबड्डी का, का खेल now, guria did not understand what is this whole thing about this game being about vanquishing the other. why is it not for the game, for the spirit of playing a game? no respect for the opponent. what is it all about? she was very confused and she did not like it. but nevertheless, she did not give up hope because she wanted to play the game for the spirit of the game. and every day she would go and watch these girls practice. So, गाँव में एक डेडिकेटेड प्लेइंग अरीना था जहां पे लड़कियां रोज प्रैक्टिस करती खेलती और सारे गांव की जो बाकी लड़कियां हैं जो वेटिंग लिस्ट में है वो भी जाके बैठती और चेयर करती हैं लाइक इट हैपेंस लीली गैंग और ला लाली गैंग में झगड़ा भी हो जाता था स्पेक्टेटर्स में भी झगड़ा होता था मारपीट भी हो जाती थी गाली गलौज भी होती थी वहाँ चुपचाप बैठे गुड़िया उन सबको लड़ते देखती और खेल देखती और पता नहीं कब कहाँ कैसे उसके दिल में भी ये बात आई कि मैं भी खेल सकती हूं और वो रोज जाके पूछती मुझे खिलाओगे हाँ हाँ खिलाएंगे पहले बताओ नाम क्या है जाति क्या है गांव क्या है कौन से मोहल्ले से हो कहां से हो किसके साथ खेल सकती हूँ किसके खिलाफ खेल सकती हूँ जल्दी बताओ नहीं मुझे तो बस खेल खेलना है नहीं नहीं इतना आसान नहीं है हमारे दल में खेलना पहले हमें डिसाइड करना होगा कि तुम किससे ज्यादा नफरत करती हो और तुमसे कौन मिल बांट के खेल सकता है वैसे दुश्मन है हम एक दूसरे के कभी कभी तो दल के अंदर भी दुश्मन हो जाते हैं लेकिन क्या बात है कौन सी बड़ी बात है कभी कभी दुश्मन जो बड़ा दुश्मन है उसके साथ लड़ने के लिए खेलने के लिए हम छोटे मोटे दुश्मनों से दोस्ती कर ले सकते हैं यू नो मैटर ऑफ कन्वीनियंस She still did not understand. She did not want to go in that space. So she would sit every day watching the game and closing her eyes and imagining herself moving right, moving left, giving a kick, leaping into the air, and swinging and holding on to an opponent and cheering. One of those days, she was just doing that. She'd closed her eyes, imagined herself looking at the feet fast, left, right, up, swing, jump, leap. इस पर हटाओ इसके आ गई ये हटाओ इसे शिवपुंड में सचमुच अंदर आ गई तो देखा नहीं सब उसकी तरफ देख रहे हैं लेकिन उसके चेहरे की तरफ नहीं उसके पाओ की तरफ राइट नेक्स्ट टू हर नियर वॉज अ लिटिल स्क् एक छोटी सी गिलहरी गिलहरी अपना पूछ उठाए इधर उधर देख रही थी और जैसे ही उसने अपना पाँव हिलाया वो फुदक के भाग गई उस पेड़ की तरफ पेड़ पिटेट चढ़ गई ऊपर और खो गई अंदर लड़कियों से सुना कि गिलहरी का कुछ करना पड़ेगा रोज आके गेम में गेम खराब कर जाती है समथिंग हैपेंड धीरे धीरे गुड़िया पेड़ के पास गई और वो गिला है गिलहरी की तरफ देखने लगी थोड़ी देर में गिलहरी वापस नीचे आई पूछ उठाया इधर उधर देखा नीचे झुकी और जोर से भाग के अंदर चली गई जहाँ के पैरों पे, के पास खिलाड़ियों के पैरों के पास लाइन क्रॉस करके लकीर क्रॉस करके वो नीली गैंग से लाली गैंग की तरफ पहुँच गई लाली गैंग के प्लेयर्स के पैरों के पास घूमी और फिर वहाँ वापस जाकर फिर नीली गैंग के पैरों पे, के पास और फिर वापस आके खड़ी हो गई कोई नहीं चाहता था उनके पैरों के नीचे एक डेड स्कूल तो सब डर के एक जगह खड़े हो गए किसी ने डंडा उठाया किसी ने छोटा सा पत्थर उठाया कंकड़ उठाया उसकी तरफ फेंका, गिलहरी तो सबसे भाग के दौड़ के फिर से चली गई पेड़ के पीछे किसी ने गिलहरी को इतने नजदीक से नहीं देखा जितना कि गुड़िया ने देखा गुड़िया उस दिन से पेड़ के नीचे रोज पहुंचने लगी कि गिलहरी कब आएगी गिलहरी स्पिरल जो काम करती है वही करती है नीचे उतरती है थोड़ा खाना ढूंढती है खाती है बैठती है छुपती है और जैसे जब मानो हो जाए अपना खाना फेंक कर वो भाग के, के, के पैरों के नीचे राइट लेफ्ट आप क्रॉसिंग द लाइन गोइंग टू द राइट गोइंग टू लेफ्ट गोइंग टू ब्लू गोइंग टू द रेड एंड ऑल द वुड स्टॉप प्लेइंग एंड दे रनिंग अवे फिर से इसको भगाओ, इसको भगाओ, इसको भगाओ, 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 भगाओ। नो अबाउट गिलहरीज क्या पता है कुछ तो पता होगा गिलहरियों के बारे में आपको देखा है ना गिलहरियों को है ना क्या पता है आपको गिलहरियों के बारे में पेड़ पे चढ़ती है नट्स खाती है और भागती रहती है और बहुत तेज से दौड़ती है क्या वो डरपोक है कि निडर निडर क्या वो खतरे के बीच में भाग जाती है या वो खतरे से दूर भागती है दिरे 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 दिरे। दिरे दिरे के बीच में जाती है और क्या लगता है, जाती है। भाग जाती है बच जाती है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है गुड़िया ने भी ये देखा ये गिलहरी को पकड़ना आसान नहीं है गिलहरिया वैसे उड़ने वाली गिलहरिया भी कहते हैं देर ग्राउंड गिलहरीज देर आर फ्लाइंग गिलहरीज उसको लगा ये गिलहरी को सारे ट्रिक्स पता है मुझे कोई गेम नहीं खिलाएगा तो मैं गिलहरी को देख कर सीख लूंगी एंड दैट इज वॉट शी स्टार्टेड डूइंग एवरी डे शी वेंट टू द ग्राउंड जहां पे बाकी सब खेलते थे वो जाके पेड़ के पास खड़ी हो जाती थी और पेड़ पे वेट करती थी कि कब गिलहरी नीचे आए और गिलहरी के साथ वो खेले कुछ दिनों में तो ऐसे लगने लगा कि लहरी भी उसके साथ खेल रही है और खेलते खेलते ऐसा लगा कि वो अपने परछाई के साथ खेल रही हो वैसे बाकी सब तो उसको देखकर हंसने लगे अरे क्या हुआ अरे गुड़िया हमने खिलाया नहीं तो तुम्हें एक गिलहरी के साथ खेलने लगी कुछ महीने और बीते खेल से दूर अब गुड़िया जाकर नहीं कहती मुझे भी खिला लो वो तो अपने ही खेल में बिजी थी बात घर तक पहुंची, तो उसकी बहने वहाँ आ गई उसको पकड़ के घर ले जाने के लिए कि चल यहाँ से उसकी अम्मा ने उसको समझाया कि बेटा ये पागलपन है ये नहीं करते कोई गिलहरी के साथ थोड़ी खेलते परछाई के साथ थोड़ी खेलते अगर खेलना है तो खेल ठीक से सीखो इंतजार करो अच्छा खेलोगी तो तुम सिलेक्ट होगी लेकिन नहीं मुझे नफरत के लिए नहीं खेलना मुझे ना लाली गैंग में खेलना है ना नीली गैंग में खेलना है बस मुझे खेलना है उन लड़कियों के तरह नहीं कौन समझाए गुड़िया को अब काफी दिन बीत गए थे लाली और नीली गैंग कोच से दूर गिलहरी कोच के साथ गुड़िया अपना गेम खेल रोज सुबह नौ बजे वहाँ पहुँचती और बारह बजे तक जब तक उसका मन करे गिलहरी उसके इर्द गिर्द ही घूमती दोस्ती हो गई थी कोच का सपोर्ट भी था हंसी मजाक खिल्ली उसको कभी चढ़ाते थे लेकिन उसको क्या फ़र्क एक दिन अपने में ही मुक्त दोनों गिलहरी और गुड़िया खेल रहे थे कि गिलहरी खेल छोड़कर भाग के चली गई कोट के अंदर और उसके पीछे पीछे अपनी गुड़िया भी भागती दौड़ती पहुंच गई लाइन क्रॉस कर लिया उसने वो लकीर के बीच में जाके वो खड़ी हो गई तो सारे प्लेयर्स ने उसको देखा और उसको सर्कल किया और क्या ओहो, देखो कौन आया है हमारे साथ खेलने? में गिल्हरी और गिलहरी की स्टूडेंट कैसी खिलाड़ी बनी हो देखे तो खिला सकती है तुमको तुम खेल सकती हो हमारे साथ खेल के दिखाओ गुड़िया

बिल्कुल सांस नहीं है किसी में खेलने को बुला लो तो फिर ऐसे ही भाग जाएंगे कम ऑन होना आई कैन सी सो मनी फू नॉट इवन डूइंग इट वॉट इज दिस नॉट फेर आए ना बच्चे नहीं कर रहे हैं उन्हें उनको लग रहा होगा ये तो बड़े चोर छोटे बच्चों के लिए आई कॉन्ट यू डू इट

उसने पकड़ा अपने अपोनेंट को और इसको अरे वो तो हो गया ये तो बैकग्राउंड स्कोर था मेरी कहानी का कम ऑन थकना नहीं है कबड्डी तो खेल रहे हो गुड़िया लपकी उसने लड़की को पकड़ा उसको पटका और एक दो तीन चार पांच छह सात ना उसमें जीत का उल्लास ना अपने ओपोनेंट के लिए नफरत ना खुशी ना आनंद बस खेल खेलने का उमंग दूसरी लड़की ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की इधर आ जाए उसने कहा नहीं तो वो फिर से गई दूसरे गैंग के अंदर इस बार उसको पकड़ने गए वो लपकी घूमी पैर उठाया छलांग लगाई और एक साथ चार लड़कियों को पकड़ लिया और इतनी जल्दी से वो लकीर क्रॉस करके दूसरे साइड चली गई कि किसी को पता ही नहीं चला ये थी गुड़िया वो जा के बीच लकीर के बीच में जाके उसने वो खड़ी हो गई और उसने अपने पैरों से लकीर को मिटा दिया लकीर का तो काम ही वही है इंसान लकीर खींचते हैं कभी रियल कभी इमेजिनरी कि बस लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट ही खड़ा करके लड़वाएं लेकिन आज पहली बार एक लड़की ने एक बच्ची ने लकीर को उसकी हैसियत दिखा दी उस दिन से चिरैया गांव में चिरैया गैंग नहीं गिलहरी गैंग के लिए जाने जाना लगा क्योंकि एक गिलहरी पे उनको खेल का मतलब समझा दिया एक थी एक थी एक थी गिलहरी 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 गिलहरी, गिलहरी सी लड़की तो ये थी कहानी कहानी है ना कैसी लगी कहानी बहुत बढ़िया अच्छी लगी वेरी गुड अब कहानी की भी कहानी होती है ये कहानी मैंने खुद लिखी तो इस कहानी की भी कहानी सुन ले क्योंकि उसके बगैर ये कहानी थोड़ी सी अधूरी है आज मैं एक ओरल स्टोरी टेलर हूँ घूम घूम कर बच्चों को बड़ों को कम्यूनिटीज़ में स्पेशल इवेंट्स पे स्पेशल ओकेजनस पे कहानियाँ सुनाती हूँ फोक टेल्स सुनाती हूँ कुछ मिथ्स लेजेंड्स, देश भर की दुनिया भर की कहानियाँ सुनाती हूँ और कभी कभी कुछ ऐसी कहानियाँ लिखती हूँ जिसे मैं ही सुना सकती हूँ और हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है कि वो कहानी बनी कैसे तो इस कहानी की भी कहानी है तो मैं उसको सुनाती हूँ आज This actually real is inspired. Before I became an oral storyteller, I was a journalist. I worked in television for eight and a half years, and one of my earliest and most first uh, projects as an independent television producer was to do an entire programming set on India when it was 60 years of Indian independence. So this was 2007 I'm talking about. So, and as 2007, it was one of my ideas and one of my producer's ideas to saying that let's tell stories of India and Pakistan and people who've been separated. And that, as a theme, had stayed with me because I grew up in the east. I am from not very far from Bhubaneswar. I grew up in the industrial town of Jamshedpur. Now, living in the east, we have a very different idea of our country. My country, my kahani, is very different for people living in the east but after school when i went to delhi ncr and i lived there for seven eight years i realized that identity of country and my country is very different for my friends and their families because with the idea of india comes the idea of partition with the idea of partition comes the bloodbath all the pain the ache the suffering the, the separation of why punjabis are so loud of why punjabis are uh, want one money, why are they accumulating stuff? so all these stories that i saw, the narrative which i experienced, troubled me. and because i grew up with a fair bit of, let's say, india-pakistan match, mein rai ho that kind of a narrative which we saw not many, too many days back, um, but i never understood why are we always fighting with pakistan. right? so uh, there was a part of me which grew up very confused. But only when I became a journalist, I went on, and right before I, I mean, even when I was a student, I read a host of partition literature, read a, watched a lot of partition films to understand where does this angst come from, where does this story begin, what is the origin of this story, this hate, this mistrust, distrust that we have, this line which is there physically, but the line is far deeper than what we know so when i became a journalist, I, one of my assignments was to go to Wala Chalk in firozpur. and firozpur has a bsf and a pakistani ranger post like the way you have in amritsar. you know, you've seen vaga border. yeah, so something like a vaga border, but much smaller, much calmer, much private, much intimate, is the line at Wala, and it's a diagonal line. So unlike Bhaga, where you have this line and you have India and this way you have Pakistan, in Hussein Wala it's a diagonal line. So you're actually facing each other and you are sitting to watch the parade of the soldiers. And that's when I saw the parade one evening and I was filming it, I was distracted by this little gileheri, which actually went diving between all the soldiers' feet. And which was moving between the India side and the Pakistan side so easily. She would once go and climb up this tree, and then she would go and climb up the other tree on their side. I said, Where does this Gilahari belong to? Where is her nationality? What is she doing? She is just doing what she does. I remember coming back, and I made my camera person shoot that Gilahari. I said, Please, I'm going to write a voiceover about this Gilahari. Eventually, it became so long, I had to remove that Gilahari reference from my, from my show. But that Gilehri stayed with me. Two years back, when the world closed down, as an artist, as a storyteller, I organised a little festival, inviting Indian storytellers and Pakistani storytellers to come together and perform. And while I was the organizer, while I was the curator, had helping other people find stories, I couldn't find a story to tell. konsi kahani sunao, jo hamare dosti हम साथ क्या कर सकते हैं उसके बारे में करें एंड लाइक विथ एवरी थिंग एल्स आई हैड फोर गॉटन द गिलहरी दिस गिलहरी रेज इट्स टेल एंड सेड मेरी कहानी है ना तो मेरी कहानी सुना दो सो देर वॉज बॉर्न माई स्टोरी गिलहरी गैंग एंड विच आई एम टेलिंग ऑफ़ अस We are living in this beautiful country. What you make of your country is your story. Be fearless like the Gilehari. Be brave like the Gilehari. Go ahead and tell your story. That's my wish for all of you. Thank you so much for being a wonderful audience.